हेलो गाइस, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्रों की। तो यहाँ पर 19 नए जिले बनने के बाद राजस्थान के अंदर नए 19 जिले बने हैं। तो यहाँ पर राजस्थान में 50 जिले हो गए हैं। तो यहाँ पर 50 जिले होने के बाद अब जो नए जिले बने हैं वो पुराने जिलों से ही बने हैं, जैसे कि जोधपुर से 3 जिले बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे जो विश्वविद्यालय है, जो उच्च शिक्षा केंद्र है वो कहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, जोधपुर से नया जिला बना है, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम और फलोदी। तो यहाँ पर तीनों में से यहाँ पर जोधपुर पश्चिम में रहेगा। जय नारायण विश्वविद्यालय है वो जोधपुर के अंदर रहेगा। कार से देखिए, बीकानेर से कोई नया जिला नहीं बना है, लेकिन यहाँ पर स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है, ये बीकानेर में ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर चूरू से भी कोई नया जिला नहीं बना है, तो यहाँ पर ये भी चूरू के अंदर रहेगा, लेकिन सरदार सर के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन। और झुंझुनू से भी कोई नया जिला नहीं बना है, तो यहाँ पर पिलानी के अंदर बिरला तकनीक विज्ञान संस्था है, ठीक है। तो ये पिलानी के अंदर झुंझुनू में ही रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं हम जयपुर। जयपुर से 4 जिले बने हैं, कोटपुतली, दुधू और जयपुर उत्तरी, जयपुर दक्षिणी। तो यहाँ पर 4 जिलों में से अब राजस्थान विश्वविद्यालय है वह कौन से जिले में रहेगा। तो यहाँ पर ये जयपुर दक्षिण में रह सकता है। अभी इसका सीमांकन नहीं हुआ है तो कन्फर्म नहीं कह सकते, लेकिन संभावना पूरी पूरी ये है कि ये जयपुर दक्षिण के अंदर ही रहेगा, राजस्थान विश्वविद्यालय, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अजमेर के अंदर। अजमेर से 2 जिले बने हैं, ब्यावर, केकड़ी। तो इनमें कोई विश्वविद्यालय नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये क्षेत्र है बांदर संदरी, तो यहाँ पर अजमेर के अंदर ही रहेगा, राजस्थान के अंदर ये विश्वविद्यालय, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम कोटा की। तो कोटा से नया जिला नहीं बना है, तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ही कोटा के अंदर रहेगा। उदयपुर से नया जिला बना है सलुम्बर, तो यहाँ पर सलुम्बर के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नहीं रहेगा, ये उदयपुर के अंदर ही रहेगा। तो गाइज, ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो आपको कैसे लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इसी प्रकार की और वीडियो देखना चाहते हैं उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्रों से रिलेटेड, तो मुझे कॉमेंट करें, मैं आपको और भी बताने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।